आप सबको मेरी नमस्ते। अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अनीता चौहान। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जिसको पंजाबी में गजरेला भी बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए होगा, ये मैंने आधा किलो चीनी ली है, ये मैंने 300 ग्राम खोया लिया है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, और ये शुद्ध देसी घी लिया है एक कटोरी, ये दो इलायची ली हैं, और ये दूध लिया है फुल क्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब हम इन गाजरों को इसमें भर देंगे सबको। सारी गाजर इसमें डाल दी हैं कुकर में, क्योंकि मैं ज़्यादा हलवा बना रही हूँ गाजर का। और अब हम इसको ढक देंगे, इसको गाजर का पानी सूखने देंगे। ये देखिए गाजर का पानी सूख गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। इसको दूध डाल के दूध को पकने देंगे और सूखने देंगे। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। और ये बादाम डालेंगे। काजू डालेंगे। और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। हम इसको अब चलाते रहेंगे। अब मैं ये इलायची क्रश करके डाल रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। हरी इलायची और ये चीनी ऐड कर रही हूँ। और इसको हम चलाते रहेंगे। देखिए हलवा बन के तैयार है। अब हम इसमें खोया डालेंगे। थोड़ा खोया गार्निश के लिए रखूंगी। और हम इसको चलाएंगे और 5 मिनट और हम इसको चलाएंगे, भूनेंगे। देखिए अब ये तैयार हो गया है हलवा। और अब हम गैस बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके बाय, मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ।